देशर कृषकंकु केन्द्रर बजेट बुस्टर मजबूत हेबो देशर प्रत्येक गां सफल हेबो आत्मनिर्भर भारतर मिशन चलित बजेट रे स्वास्थ्य को विशेष फोकस देबा सहित देशर कृषक मानकु आत्मनिर्भरशील हेबा पई निया जाय जी पदक्षेप बजेट उपस्थापना परे प्रतिक्रिया रखिछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी कहिछंती चलित बर्षर बजेट रे विकासर विश्वास रहिछि एही बजेट भारतर आत्मविश्वास को उजागर करिबो बजेटर मूल सिद्धांत विकास पाई नूतन सुजोग एवं नुआ संभावना आजर बजेट युवक मानी नुआ सुजोग सृष्टि करने सह भित्तिभूमि निर्माण करने नुआ क्षेत्र गुड़ी को विकसित करियो बोली कहिछंति प्रधानमंत्री वर्ष 2021 का बजेट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक हर वर्ग का समावेश भी है। सही परी बजेट उपरे प्रतिक्रिया रखी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिछंती बजेट देशर अर्थनीति को नुआ दिग दब आजर बजेट अत्यंत प्रशंसनीय एवं एथिरे देशर अर्थनीति रे अग्रगति परिलक्षित होउछि। स्वास्थ्य सेवा रेल रास्ता कृषि क्षेत्र को चलित वर्ष बजेट अधिक फोकस दिया जाइछि। मिनिमम गवर्नमेंट एवं मैक्सिमम गवर्नेंस आधार रे ई बजेट उपस्थापना करा जाइछि। तबे बड़ कथा हला पोषण अभियान ने प्राथमिकता पाइबे ओडिशार 10 जिला विजयवाड़ारु खड़गपुर पर्यंत इकोनोमिक करिडर रो योजना करा जाइछि। अनेकांशरे एथरर केन्द्रीय बजेट रे ओडिशा को सिंह भाव लाभ मिलिबाकु जाउथुबा कहिछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। सर्वोपरि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस ये तत्व आधार रे ये बजेट को उपस्थापित करा जाइछि। ए कथा गुड़िक जदि स्थानीय सरकार ठीक से सहयोग करके क्रियान्वयन करेबे भारत सरकार और राज्य सरकार उभय मिसिक काम करेंगे ओडिशा रे अमरो कहा को बाहर को जीवा पाई पड़िबो नै तार व्यवस्था बजेट रे कृषि भित्तिक अर्थनीति मत्स्य भित्तिक अर्थनीति पशुपालन खनि खदान संपर्क रे जो सुधार आसी उत्पादन तैयारी कर मैन्युफैक्चरिंग हब पाई जो भलिया कथा है विजयवाड़ा खड़गपुर रो इकोनॉमिक कॉरिडोर कथा हो ओडिशा रे जातीय राजपथ पाई बहुत महत्व दिया जाय छे। सही परी एई बजेट देशर विकास को अति गति देबा सह जनकल्याण दिगरे उत्सर्गीकृत बोली कहिछति बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रगतिर आह्वान नै एई बजेट प्रस्तुत होइथिबा कहिछति केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की नीति में बदलाव किया गया है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती प्रदान की गई है। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी जो परिवर्तन लाएगा। शिक्षा एवं रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये सभी प्रयास देश में रोजगार सृजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। बजट बहुत उत्साहप्रद है और ये अभूतपूर्व कोरोना पैंडेमिक की भयानक विभीषिका के बाद ये बजट पूरा राष्ट्र में एक नवजीवन का संचार करने वाला है। और जैसा कि पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण बन जाएगा, इसमें नया निर्माण का युग प्रारंभ हो रहा है और इसमें युवाओं की अभिप्सा चरितार्थ करने के लिए व्यवस्था है, वुमेन एम्पावरमेंट की व्यवस्था है और रूरल डेवलपमेंट रूरल इंडस्ट्री की भी व्यवस्था है और अरबान में भी वो अमृत योजना का साकार करने के लिए भी काफी फंड की व्यवस्था है। सेपटे पोस्ट बजट प्रेस मीट रे केंद्र अर्थमंत्री कहिछति देशर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देवा सह महामारी मुकाबिला परवर्ती परिस्थिति को सामना करिया पई
बजेट प्रस्तुत करा जाय छि। इफ देयर आर टू इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस बजेट इट इज दैट वी चोज टू स्पेंड बिग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विच स्पैन्स अक्रॉस रोड्स ब्रिजेस पोर्ट्स पावर जनरेशन एंड सो ऑन एंड ऑल्सो टू एज अ सेकेंड फीचर अटेंड टू द नीड ऑफ द हेल्थ सेक्टर एंड इवन दे कैपेसिटीज फॉर बेटर हेल्थ मैनेजमेंट हैड टू बी ब्रॉट इन द लाइट ऑफ व्हाट वी हैव गॉन थ्रू इन द लास्ट ईयर एंड देयरफॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन हेल्थ हैज टेकन अ वेरी बिग प्लेस इन द बजेट। तेबे स्वास्थ्य सेवा ओ कृषक को फोकस रे रखी एथरर बजेट प्रस्तुत करा जाय छी। आत्मनिर्भर भारत आह्वान सह महामारी परवर्ती भारत अर्थनीति को बूस्टर देवा पाई लक्ष्य रखा जाय छी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।